हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एएमयू जामे किसी भी कोर्स में दे रहे हो, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पे एक आपको आइडिया भी देंगे कि वर्ल्ड अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तैयारी करना है या वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर को तैयार करना है तो किस तरीके से करेंगे। ऑब्वियसली वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हिस्ट्री लगभग मैच करता है ऑलमोस्ट, बट फिर भी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कर इन विच ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ मैसेडोनिया। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अलेक्जेंडर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका फर्स्ट होगा 336 BC। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर यूरोपियन रिनेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम विच कंट्री। यूरोपियन रिनेंस किस कंट्री से स्टार्ट होता है, यूरोपियन में अगर हम बात करें, यानी क्योंकि ये जितने भी कंट्री है वो सब यूरोपियन ऑलमोस्ट है, तो इस यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले रिनेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सेकंड का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इटली, इटली से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ वाटरलू कब मतलब लड़ा गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 1815, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। अमेरिका से दो तीन सवाल बनते हैं, एक तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेसिडेंट को लेकर, और दूसरा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और दूसरा आपका बनता है अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब एंट्री लिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कब एंट्री लिया था, और उसके बाद अभी एक ये क्वेश्चन जो अमेरिका इंडिपेंडेंस को लेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 1776 होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हु इज़ नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा। इनमें से मतलब ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से किनको हम मोनालिसा के नाम से जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हु वाज द किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और मेरे ख्याल से 1789 में हुआ था मेरे ख्याल से, मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब, ये पूछता है जामे ने पूछा भी है, या तो 1779 होगा या 1789 होगा, यही दो में से कोई एक डेट होगा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लुइस 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तो ये भी पूछा जाता है जैसे फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये कहाँ से लिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका भी जो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंच ही होगा। तो फ्रेंच से रिलेटेड जरूर पढ़ लीजिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज के टाइम में वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंच का, वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे करें 100 ईयर वार 1337 से 1453 के बीच में लड़ा गया था, किनके किस किस कंट्री के बीच में। तो बेसिकली सेवन का करेक्ट आंसर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बिलोंग टू विच डायनेस्टी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो किस डायनेस्टी से थी इंग्लैंड की, तो एट का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका सी होगा ट्यूडर से। अब यहाँ पे इंग्लैंड से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीडियनशिप को लेकर पूछा जा सकता है वहाँ से, पॉलिटी के अगर सेक्शन के हिसाब से देखा जाए जो वहाँ से, इसके अलावा 1835 का जो एक्ट था उससे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे बॉस्टन टी पार्टी वाज एसोसिएटेड विद विच रेवोल्यूशन। इनमें से किस रेवोल्यूशन से बॉस्टन पार्टी जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका फर्स्ट होगा अमेरिका। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स टू साइन द मैग्ना कार्टा इन 1215। मैग्ना कार्टा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को आई थिंक बोलते हैं, हाँ राइट। तो 10 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज किंग जॉन जो है उन्होंने साइन करा था मैग्ना कार्टा को पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे व्हेन द फर्स्ट एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक गेम वाज बिगन। 11 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका 776 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु आर द ऑथर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब ये यूएसए का जब उनको इंडिपेंडेंस मिला था, आज़ादी मिला था उस टाइम, सॉरी क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, मैंने गलत एक्सप्लेन करा है। देखिए इसमें ये कहा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक बुक थे, उसका ऑथर कौन था वो आपको बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका थॉमस जेफरसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें नेपोलियन वाज एग्जाइल्ड टू द सेंट हेलेना आफ्टर द डिफीट इन द वार ऑफ। नेपोलियन को एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, कह दिया भगा दिया गया था किस डिफीट के बाद। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज वाटरलू। आपने अभी वाटरलू के बारे में डिस्कस करा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। आपको ये तो एटलीस्ट पता ही होगा, 14 का आपको आंसर करना है, कमेंट करिएगा आंसर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। करें व्हेन डिड जूलियस सीजर फर्स्ट इन्वेडेड ब्रिटेन। ब्रिटेन में कब सबसे पहले जूलियस सीजर ने इन्वेड किया था। तो 15 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका सी 55 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें हु वाज वन ऑफ द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर इनमें से कौन थे। तो 16 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका अरस्तु। और आपसे ये चंद्रगुप्त कुमार के बारे में पूछा जा सकता है कि उसके टीचर कौन थे,
उस केसेस में आप बता सकते हैं चाणक्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर इन विच ईयर क्रिस्टोग्राफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, मतलब ये सिंपली कोलंबस जो है अमेरिका को कब डिस्कवर किया, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1492, और 1498 में जो है इंडिया का डिस्कवरी किया गया था किसके द्वारा, सो उसका 1498 में अगर बात करें तो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था हमारे देश इंडिया को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द चाइनीज एम्पायर व्हेन मार्को पोलो विजिटेड टू चाइना, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का, दैट इज आपका कुबलाई खान। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना, 19 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा कुबलाई खान। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन सब में चंगेज खान ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहा है विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन द ईयर, विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था। हालांकि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अब मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं फिर से सोल्व करा दूँ, ये यहाँ पे कर हुई इन्होंने दी फादर ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना, इसका बेसिकली करेक्ट आंसर ए होगा कुबलाई खान, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंगेज खान है, जो इसके बारे में जरूर आप थोड़ा देख लीजिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कर विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, विलियम शेक्सपियर से ये नहीं पूछेगा कि कब पैदा हुए, बस इसका कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वो देख लीजिएगा, वरना उतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश वालों के लिए है जो इंग्लिश से, वरना ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का, दैट इज आपका सी होगा, 1564 में इनका बर्थ हुआ था। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं हु रोट दी ऑलिव ट्विस्ट, ऑलिव ट्विस्ट किसको, यू नो इसमें से किन्होंने लिखा था ऑलिव ट्विस्ट के बारे में, तो डी जो होगा क्रिस्टोफर मार्लो, ये जो इन्होंने ही लिखा था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एस्टेक सिविलाइजेशन वाज ऑरिजिनेटेड इन विच कंट्री, इनमें से किस कंट्री में एस्टेक, जैसे इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इस तरीके से एस्टेक नाम से सिविलाइजेशन थे वो किस कंट्री से हैं, तो बेसिकली करेक्ट आंसर का ग्रीक होगा। बाकी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, एक अगला वीडियो एक और आएगा, उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में टोटल सोर्सेज बताएंगे, एटलीस्ट मिनिमम आपको करके जाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।